नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, चेयरमैन कुशालगढ़ ग्रुप। आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुशालगढ़ से गंगापुर सिटी के सफरनामे पर। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि कैसे बना कुशालगढ़ से गंगापुर सिटी। कुशालगढ़ से गंगापुर सिटी के सफरनामे में आज हम बताएंगे खुशालीराम हल्दिया के बारे में। खुशालीराम हल्दिया के वंशजों के अनुसार छाजूराम हल्दिया के तीन पुत्र थे, खुशालीराम, राम बहादुर, दौलत राम। खुशालीराम हल्दिया अद्वितीय विलक्षण राजनीतिक व कूटनीतिक प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने कई युद्धों में फतेह हासिल करके जयपुर नरेश के दिल को जीत लिया और कई पदवियां हासिल की। खुशालीराम हल्दिया को अनेक पेचीदा मामलों को निपटाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। संवत 1838 में भी उन्हें मुगल बादशाह से संधि करने हेतु जयपुर नरेश के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। खुशालीराम हल्दिया की मृत्यु संवत 1841 को एक युद्ध के दौरान फतेहपुर सीकरी के पास प्रतिपक्ष के सैनिक लक्की द्वारा पीछे से छुरा घोंपकर कर दी गई। वहां उनकी छतरी बनी हुई है। खुशालीराम के मृत्यु के बाद जयपुर महाराज की तरफ से उनके बड़े बेटे राव चतुर्भुज को राव का खिताब व सिरोपाव भेजा गया व उन्हें खुशालीराम की गद्दी पर बैठाया। राव चतुर्भुज की मृत्यु के बाद खुशालीराम के पुत्र गंगादास को गद्दी पर बैठाया। समय के साथ साथ हल्दिया परिवार के वंशजों भी यहाँ से पलायन करने लगे। हल्दिया परिवार के वंशज धीरे धीरे यहाँ से जयपुर सहित कई अन्य राज्यों में जा बसे। जयपुर से खुशालीराम हल्दिया के वंशज राजकुमार हल्दिया व प्रेमचंद हल्दिया कभी कभी यहाँ गंगा माता के मंदिर आते रहते हैं। ये था खुशालीराम हल्दिया का इतिहास।